वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को सोल्व करेंगे। अब हो सकता है कि इंटरवल निकाल लो जब ये फंक्शन हो, सही बात है ना। तो सीधी सी बात है, इंटरवल के लिए क्या कहा था हमने कि क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, सही बात है ना। क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, पॉइंट बनता है एक्स कोमा वाई से, बस ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन किस तरीके से, अब यहाँ पर ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्यों ये बात भी समझ में आएगी। सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लो, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके बराबर होगा, साइन का कोस एक्स होता है और इंटू में वन भी है, एंगल का भी होगा, बस ये बात याद रखनी है। माइनस का साइन, ठीक है ना। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है ना। और फिर इनटू एंगल का भी होता है वन, ठीक है ना। तो माइनस साइन एक्स, तो एक माइनस पहले से तो प्लस का साइन, इस तरीके से। ये तो ही इसकी बात, सही बात है। अब अगर यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करो कि फोर क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है ना। क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या करना, हमने एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर दो, सही बात है। तो यहाँ से कोस एक्स प्लस साइन एक्स जीरो के बराबर, इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बात भी कह सकते हो कि जैसे कोस एक्स एक साइड माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अब इसको पढ़ के देखो, अभी ये क्या कह रहा है कि एक्स क्या है, एंगल है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एंगल है। मतलब कौन सा वो एंगल है जिस पर इनकी वैल्यू एक की प्लस होगी, मतलब बराबर तो है एक की प्लस एक की माइनस, इस तरीके से, सही बात है ना। एक की प्लस एक की माइनस, मतलब वो एंगल कितने होंगे। अब सीधी सी बात है, एक बात हमें पता होती है कि साइन एक्स और कोस एक्स इन दोनों की वैल्यू इस तरीके से होती है, माइनस वन से और वन के बीच में इन दोनों का ग्राफ लाई करेगा, सही बात है ना। इन दोनों, अब इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट एंगल है, इस बात का तो ये मतलब है, इनफाइनाइट एंगल होंगे, सीधी सी बात है। क्यों, साइन एक्स का अगर ग्राफ प्लॉट करो, जीरो से स्टार्ट होगा ये, इस तरीके से ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, सही बात है ना, इस तरीके से, ठीक है। नेगेटिव साइड में भी इस तरीके से ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट एंगल हुए ना, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। और कोस का किस, कोस का ग्राफ वन से चलता है इस तरीके से, इस तरीके से ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, सही बात है। तो इसका मतलब है इनफाइनाइट एंगल। तो यहाँ पर ये बात क्यों इसका यूज नहीं होगा, इसका ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये ग्राफ वाला कोई यूज नहीं इसका, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये वाली ट्रिक, ठीक है ना, कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाली ट्रिक हो सकती है, ठीक है ना, इस तरीके से कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। जैसे यहाँ पर जीरो पाई बाई टू, इस तरीके से पाई, ठीक है ना, यहाँ पर थ्री पाई बाई टू और यहाँ पर टू पाई, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे साइन थीटा के लिए सोच के देखो, साइन एक्स है ना, अब डिफरेंशिएशन है, दोनों पर डिपेंड है, कोस एक्स पर भी डिपेंड है, साइन एक्स पर भी डिपेंड है, सीधी सी बात है, जहाँ पर एक्स है तो वहीं पर डिपेंड है, सीधी सी बात तो ये है। जहाँ पर भी एक्स लिखा वहीं से एफ डैश एक्स डिपेंड हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब एक्स वेरिएबल है, कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सोच के देखो, अब हमने कहा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दो क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव दो में, नेगेटिव, सीधी सी बात है, ठीक है ना, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इस तरीके से, अब जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस टाइप के न्यूमेरिकल में, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट ना इसका फायदा ना, क्यों, वहाँ पर भी सेम बात आएगी, इनफाइनाइट एंगल होंगे, ठीक है ना, सेम बात होगी, इनफाइनाइट एंगल होंगे इस वजह से, ठीक है ना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करें, ठीक है ना, इसके लिए एक ये बात याद रख सकते हो, ये पॉइंट, ठीक है ना, मतलब ये पॉइंट बेसिक याद रख सकते हो, ठीक है ना। क्या पॉइंट है कि जब एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे यहाँ पर एक से ज़्यादा ना दो, ठीक है ना, एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सीधी सी बात है, एक एंगल बना लो, ठीक है ना, बस ये बात याद रखनी है। एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो तो कोशिश करो एक से, मतलब एक एंगल बना लो, ठीक है ना, जब इंटरवल निकाल लो, मेन पॉइंट तो यही है ना, बात तो इंटरवल की है। अगर इंटरवल गिवन होते, मतलब जैसे अगर जैसे कोई भी इंटरवल गिवन होता, फिर ये बात मतलब फिर आसान हो जाती इस वजह से, ठीक है ना। लेकिन अब एक एंगल का मतलब एक एंगल बना लो, ठीक है ना, कब, जब एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब यहाँ पर दो हैं, इस तरीके से। तो मतलब इसको कैसे, अब एक, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला होता है कि अब जैसे ये बात लिखे हो कि a साइन x प्लस बी कोस एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना, a साइन x प्लस बी कोस एक्स, या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोस एक्स पहले, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर ये कन्फ्यूज मत होना कि पहले कोस एक्स है,
ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है ना। और साथ के साथ यहाँ पर प्लस हो माइनस हो, सीधी सी बात है इन दोनों के लिए, ठीक है ना, प्लस हो माइनस हो बीच में कोई उससे मतलब नहीं हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस ये बात याद रखनी है कि मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई किससे, जो इनके कोफिशियंट है, इसका कोफिशियंट क्या है ए, इसका स्क्वेयर करो, दूसरे का स्क्वेयर कर दो, दोनों को ऐड करो, कोफिशियंटों के स्क्वेयर करो, ऐड करो, ठीक है ना। स्क्वेयर करोगे, स्क्वेयर सीधी सी बात है, प्लस के बी का स्क्वेयर करोगे, या फिर जैसे प्लस का बी का होल स्क्वेयर किया, या फिर माइनस बी का होल स्क्वेयर किया, बात तो वही है ना, इवन पावर में माइनस साइन खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस है, ठीक है ना। और इसका ले लो स्क्वेयर रूट, सीधी सी बात तो ये है, जब ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की, ये मतलब इस टाइप से न्यूमेरिकल हो, इस टाइप से ये फॉर्म दिखे, तो हमेशा ये रूल अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में भी ये बात थी, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, या फिर याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब एक एंगल बना लो इस तरीके से, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर किस तरीके से होगा, अब यहाँ पर तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर इसका कोफिशियंट वन, इसका कोफिशियंट वन है, तो मतलब वन का स्क्वेयर वन, फिर वन इस तरीके से का स्क्वेयर रूट, मतलब स्क्वेयर रूट टू से मल्टीप्लाई करनी है, स्क्वेयर रूट टू से डिवाइड करनी है, तो स्क्वेयर रूट टू बार, और इस तरीके से लिख लो, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, सही बात है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद ये बात याद रखने, जो ये पहला है, जो ये पहली टर्म है, या फिर कहो पहला कॉन्स्टेंट है, इसको चेंज करोगे, ठीक है ना, इसको चेंज करोगे, लेकिन पहला जो भी लिखाओ वो हमेशा पहले आएगा कोस थीटा, फिर आएगा साइन थीटा, ये बात याद रखनी है हमेशा ही, पहले कोस थीटा, मतलब इसको कोस के एंगल में रिप्रेजेंट करो, वन बाई स्क्वेयर रूट टू, ठीक है ना। तो ये कितना होता है, वन बाई स्क्वेयर रूट टू, सीधी सी बात है, कोस 45 की वैल्यू होती है, कोस पाई बाई फोर को 45 को, ठीक है ना, यहाँ पर कोस एक्स है, फिर प्लस का दूसरे वालों को सीधी सी बात है साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन पाई बाई फोर है ये भी, इस तरीके से साइन एक्स, इस तरीके से कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला बना, अब ये बात हमें पता होनी चाहिए, स्क्वेयर रूट टू तो बार है, सही बात है ना, स्क्वेयर रूट टू बार है, अब ये किसका फॉर्मूला बना, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, सही बात है ना, कोस ए, ए कितना पाई बाई फोर, ये एक्स की मतलब बी कितना एक्स, तो कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, बीच में प्लस का साइन, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका है, कोस का, ठीक है ना, कोस आएगा, और अंदर कोस क्यों आया, अगर दोनों कोस क्यों तो सीधी सी बात है, ठीक है ना, बीच में प्लस का साइन है तो माइनस साइन होगा, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक्स माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा इस तरीके, या फिर पाई बाई फोर माइनस एक्स लिखो, बात वही है, क्यों, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, इस वजह से यहाँ पर पहले ये लिखो या फिर ये लिखो, इस तरीके से, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई, क्या होता है इसका फॉर्मूला, कोस है बार, तो दोनों कोस के लिखो इस तरीके से, बीच में माइनस का साइन है तो कोस के केस में माइनस का अपोजिट प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस की जगह प्लस है, फिर दोनों साइन के लिख दो इस तरीके से, ठीक है ना, साइन बी, ठीक है। और यहाँ पर अगर बीच में प्लस हो तो यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है ना, इस तरीके से, फिर मतलब कहने का मतलब क्या है, जब इस टाइप से ये फॉर्म हो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की, बीच में माइनस हो कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, या फिर इसी तरीके से साइन ए माइनस बी, या फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, सीधी सी बात तो ये है, इस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना। मतलब अब यहाँ पर एक एंगल आया, सही बात है ना, कोस है, अब ये तो कॉन्स्टेंट है, कोस और एंगल एक है, ठीक है ना, तो एक्स माइनस पाई बाई फोर काम का है, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास एफ डैश एक्स कितना आया, एफ डैश एक्स को ही तो सोल्व किया, स्क्वेयर रूट टू कोस एक्स माइनस पाई बाई फोर, इस तरीके से, सही बात है। और इंटरवल गिवन क्या था, इंटरवल, इंटरवल ये था इस तरीके से, जीरो से टू पाई के बीच में, मतलब जीरो से 360 डिग्री तक, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक्स मतलब दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, इस वजह से एक एंगल चेंज कर लिया, यहाँ पर एक्स है, हमारा एंगल क्या है, एक्स माइनस पाई बाई फोर, तो माइनस पाई बाई फोर ऐड कर दो सभी जगह, यहाँ पर भी माइनस पाई बाई फोर ऐड किया, यहाँ पर भी माइनस पाई बाई फोर ऐड करो, या फिर पाई बाई फोर सब्सट्रैक्ट करो, बात वही है, ठीक है ना, यहाँ पर भी ये बात कर दो टू बाई माइनस, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर एज इट इज, ठीक है, तो एक्स माइनस पाई बाई फोर, और यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन है, तो एट पाई माइनस पाई, सेवन पाई बाई फोर, इस तरीके से बात हुई, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पर -π/4 है, या फिर कहो कि 45 डिग्री, बात तो वही है ना, एक्स -π/4, और यहाँ पर 7π/4 मतलब 7 × 45 डिग्री, मतलब डिग्री में समझना चाहो तो इसका ये मतलब 315 डिग्री, इस तरीके से सही बात है। अब यहाँ पर अब क्रिटिकल वैल्यू वाला कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, फोर क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है ना, फोर क्रिटिकल वैल्यू, सीधी सी बात है, ठीक है। अब कोस का सीधी सी बात, अब कोस थीटा तो कुछ भी हो, सही बात है ना, एंगल इनफाइनाइट एंगल का तो वही मतलब है ना, मतलब इसको सिर्फ हमने कोई मतलब नहीं है एक्स माइनस पाई बाई फोर है, इसको ये पढ़ो कि कोस थीटा, और कोस थीटा का तो ये रिजल्ट है, इसकी वैल्यू तो इस तरीके से होगी, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, मतलब कहने का मतलब क्या, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, सीधी सी बात तो ये है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो सीधी सी बात है स्ट्रिक्टली वाली बात हो जाएगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी मिलेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी मिलेगा, वही पूछा इसने, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब क्रिटिकल वैल्यू, तो इसके लिए क्या करना है, f·x 0 पुट कर दो, अब 0 पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि अब एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इस वजह से, ठीक है ना, तो इसको 0 पुट करो, ठीक है ना, √2cos(x−π/4) इस तरीके से 0 के बराबर, ठीक है। अब जैसे क्या इस कंसेप्ट का यहाँ पर यूज होगा, जैसे यहाँ से √2 मतलब दोनों साइड ये डिवाइड में हुआ, ठीक है ना, मतलब cos(x−π/4) 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि कोस का वो कौन सा एंगल है जिस पर इसकी वैल्यू 0 मिले, बात वही है, इनफाइनाइट एंगल होंगे, ठीक है ना, लेकिन अब चलो इंटरवल ये है कि -45 से 315, ठीक है। अब क्या यहाँ पर ए की वैल्यू होगी, बात तो ये है ना, ठीक है ना, कहने का मतलब क्या, इससे अगर इसको अगर ग्राफ से समझना चाहो, ठीक है ना, कोस एक्स का वाई इज इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है ना, किस तरीके का ग्राफ होता है कोस एक्स का, या फिर कहो कि कोस थीटा, किस तरीके से, इस तरीके से का ग्राफ होता है, सही बात है, इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इस पर एक्स एक्सिस पर एंगल लिखते हैं, और ऊपर ये 1 0 और यहाँ पर -1, इस तरीके से, ठीक है ना। इंटरवल क्या, -45 डिग्री, कोस 90 भी 0 होता है, ठीक है ना, और कोस-90 इस तरीके से दोनों 0 होते हैं, ठीक है ना, मतलब ये कितना 90, मतलब -90 होगा इस साइड तो, क्योंकि यहाँ पर -x होता है इस वजह से, ठीक है, और ये प्लस का 90, ठीक है। लेकिन हमारा इंटरवल कहाँ से था, 45 डिग्री, जैसे यहाँ पर वो 45 डिग्री, जैसे ये मान लो कि बीच की वैल्यू है 45 डिग्री, से लेकर कहाँ तक जा रहा है इंटरवल, 315 डिग्री, ठीक है ना, मतलब cos 180, 180 होता है -1, सही बात है, मतलब ये है 180 डिग्री, इस तरीके से 90 का गैप होगा, ये कितना होगा 270 डिग्री, ठीक है ना, और यहाँ पर होगा चलो यहाँ पर 360 डिग्री, यहाँ पर है 2π, ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ 315, चलो ये है वो 315 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको पढ़ लो, ग्राफ कहाँ से चलेगा, यहाँ से, सही बात है ना, इंटरवल तो ये है ना इंटरवल, तो यहाँ से किस तरीके से ग्राफ हुआ, ये हुआ, कहने का ये मतलब है, इस तरीके का ग्राफ है, सिर्फ यहाँ तक पढ़ना हमने, तो सीधी सी बात है, ठीक है। अब अगर ग्राफ प्लॉट करो तो वहाँ से भी डायरेक्ट कह सकते हो कि जैसे, अब जैसे यहाँ से देखो ये कितना था -45 डिग्री, ठीक है ना, मतलब जो एंगल है, एंगल एक्स नहीं, x−π/4 है, ठीक है ना, बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ है, यहाँ से देखो इसको, ठीक है ना, -45 डिग्री से, मतलब इस तरीके से -π/4 से लेकर कहाँ तक, 90 डिग्री, 90 का मतलब π/2, इस तरीके से यहाँ तक देखो इस ग्राफ को, है तो 0 से बड़ा, सही बात है ना, क्या है 0 से बड़ा, तो इस इंटरवल के बीच में ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सही बात है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब f·x 0 से बड़ा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तो ये डेफिनेशन होती है ना, f·x 0 से बड़ा, सीधी सी बात है 0 से बड़ा ये है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस तरीके से, ठीक है ना, फिर 90 से लेकर, ठीक है ना, मतलब फिर एंगल दूसरा केस क्या हो जाएगा, इस 90 से लेकर मतलब π/2 से लेकर कहाँ तक, 270 तक, 270 का मतलब 3π/2 तक, ठीक है ना, 3π/2 तक क्या है ये, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कब होगा, जब f·x, ठीक है ना, जब f·x 0 से छोटा, 0 से छोटेगा मतलब नेगेटिव, इस तरीके से, सही बात है ना, 0 से छोटेगा ये मतलब है, ठीक है। इक्वल टू का केस लेके नहीं चलेंगे, क्यों नहीं लेके चल सकते, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड है, ठीक है ना, और वैसे भी कह सकते हो कि इक्वल टू का केस यहाँ पर π/2, यहाँ पर भी है, इस वजह से भी कह सकते हो, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली वर्ड का ये मतलब है, ठीक है ना। और जो लास्ट इंटरवल कहाँ से कहाँ तक का, 3π/2 से लेकर, ठीक है, 270 से लेकर 315 का नाम 7π/4, इस तरीके से, वो 0 से बड़ा है, वैल्यू तो 0 ही है,
ठीक है ना, ये है, ये लाइन है जीरो, इससे ऊपर की बात हो रही तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इस इंटरवल के में इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस तरीके से डायरेक्ट कह सकते हो, ठीक है ना। या फिर दूसरा तरीका ये वाली ट्रिक अप्लाई कर लो कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाली ट्रिक, ठीक है ना। अब जैसे ये तो इसकी बात है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जीरो डिग्री, यहाँ पर टू पाई भी होता है, मतलब 360 डिग्री, सही बात है। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, 270 और यहाँ पर वापस 360, ठीक है। और ये तो ही प्लस की बात, और उल्टा होगा तो माइनस, यहाँ पर 90 डिग्री भी होता है। इस 270 का नाम दूसरा नाम माइनस 90 भी होता है इसका, ठीक है ना। मतलब प्लस के लिए तो जैसे इस तरीके से ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, जब प्लस की बात करते हो। जब नेगेटिव की बात करोगे, जब माइनस साइन लगाओगे, तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका अपोजिट कर दो, इस तरीके से कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पर माइनस 90, यहाँ पर माइनस 180, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस 270 और यहाँ पर वापस माइनस 360 डिग्री। यहाँ से समझा, यहाँ से मतलब सोल्व करना चाहो, बात वही है, मतलब हमने बात करनी थी सिर्फ कोस की, ठीक है ना, कोस की। तो मतलब कोस दो क्वाड्रेंट में यहाँ पर पॉजिटिव होगा, दो में नेगेटिव, कहने का ये मतलब, ठीक है ना। इस ट्रिक का मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ पर इंटरवल क्या था, एक तो था माइनस पाई बाई फोर से 90 डिग्री तक का, सही बात है ना। या फिर कहो कि 0 से 90, एक बार ये लेके चलो 0 से 90, जैसे ये रहा 0, यहाँ से 90, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मतलब माइनस कन्फ्यूज हो रहे हो, जैसे एंटी क्लॉकवाइज वाली बात, इस वजह से 0 से 90, ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो कोस भी पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होने का नाम क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस वजह से, ठीक है ना। कोस यहाँ पर पॉजिटिव, सी का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव, और दो जगह नेगेटिव, इस तरीके से। तो यहाँ से सोल्व करोगे, बात वही आएगी, वो मतलब ये चॉइस रहेगी, इस यहाँ से शो करना चाहते हो ये रिजल्ट, या फिर इस ग्राफ को देख के, बात वही रहेगी, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाया है, यहाँ पर चॉइस है, ठीक है ना, यहाँ पर चॉइस है कि मतलब जैसे हमने ये लिखा था कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स, सही बात है, एफ डैश एक्स ये था, इसी को हम ये लिख दें तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बात तो वही है ना, बात तो वही है, प्लस वाले को पहले लिखो या फिर बाद में लिखो, सही बात है ना। और यहाँ पर बस 1/√2 वाली बात यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, इस तरीके से, जैसे √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सही बात है। हाँ, पर पहले वाले को कोस यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का, मतलब साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर और साथ में √2, तो एफ डैश एक्स का नाम ये भी है और ये भी है, वो चॉइस है कौन से सोल्व करो, बात वही आएगी, ठीक है ना। इंटरवल तो वही बनना है, मतलब माइनस 3π/, इस तरीके से, ठीक है ना, −π/4 से लेकर 7π/4, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।